एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद के साथ। नमस्ते, मैं श्वेता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी श्वेतास दुनिया में। आज मैं शुरू कर रही हूँ एक मधुबनी पेंटिंग। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मेरी सोफे के पीछे के दीवार पे गोंद पेंटिंग के साथ एक मधुबनी पेंटिंग भी मैं लगाऊं। दोनों ही भारत के ट्रेडिशनल आर्ट है, लेकिन मेरी ये इच्छा को मैं बहुत दिनों से टालती जा रही थी दूसरे काम और मेरी तबीयत की वजह से। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है। जिन लोगों को मेरी तरह इस दर्द की शिकायत है वो जानते हैं गर्दन को नीचे करके कुछ भी काम करना कितना तकलीफ बढ़ा देती है, और पेंटिंग करने के लिए तो बहुत समय देने की ज़रूरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा होम मेकिंग का जितना भी काम मैं करती हूँ उसके लिए भी तो मुझे दर्द सहन करना पड़ता है, तो क्यों मैं अपनी इच्छा को दबाती रहूं? तो इसलिए मैंने पेंटिंग करना शुरू किया। यकीन मानिए पेंटिंग करने के समय मैं अपना सारा दर्द भूल गई। शायद मुझे रंग भरने में इतनी खुशी मिल रही थी कि मुझे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने एक बहुत ही आसान सा डिज़ाइन पिंटरेस्ट से ढूंढ निकाला, एक मोर, ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो, मुझे ज़्यादा समय ना लगे। और सबसे पहले मैंने कैनवास में इस डिज़ाइन को खुद ही ड्रॉ कर लिया। आप चाहे तो ट्रेस भी कर सकते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे अपने पसंद का रंग भरती चली गई। जो मेरी तरह पेंटिंग में बिगिनर्स है उनको मैं यहाँ मधुबनी आर्ट के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। मधुबनी पेंटिंग इज अ वेरी ओल्ड आर्ट फॉर्म ऑफ फोक आर्ट that originated in the Madhubani district of Bihar. इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस पेंटिंग में नर नारी, प्राणी, पेड़, फूल, पत्ती, चिड़िया ये सब दर्शाए जाते हैं। जैसे कि आज मैंने चुना एक मोर पेड़ में बैठे हुए। ये एक बहुत ही रंगीन और सुंदर आर्ट फॉर्म है। इनमें बहुत सारे बोल्ड कलर्स यूज होते हैं, जैसे कि लाल, पीला, नीला, हरा, काला। और कलर्स भी सारे नेचर से ही मिलते थे, जैसे कि फूल से, पत्तों से, मिट्टी से, गोबर से, यही से सब कलर निकाले जाते थे। अभी तो हमारे पास रेडीमेड कलर्स आ गए हैं, हम जो चाहे वो कलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि उन दिनों में कितना ये मुश्किल काम था। पहले कलर निकालना था, फिर पेंटिंग करना था, तो उस समय में सबके पेशेंस भी कितना होता था, मैं वही सोच रही थी। मैंने तो एक बहुत ही आसान सा डिज़ाइन चूज़ किया है, लेकिन मैंने देखा है पिंटरेस्ट में जितना भी डिज़ाइन मैंने देखा है इतना बारीक काम है उनमें कि क्या बताऊँ। लोकल जो पेंटर्स होते हैं वो शायद और भी अच्छे से इनको दर्शाते हैं, शायद क्या दर्शाते ही है। और मैं पता नहीं मैं कितना जस्टिफाई कर पा रही हूँ इन पेंटिंग के साथ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अटेम्प्ट तो किया है। मैंने गोंद पेंटिंग भी जब बनाया था मुझे बहुत ही मज़ा आया था, वो भी एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है
जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा, बिगिनर्स को बहुत ही मदद मिल जाएगी। सिमिलरिटी भी बहुत है दोनों पेंटिंग्स में और अलग भी है। मुझे तो दोनों बनाने में ही बहुत मज़ा आया। कथित है कि राजा जनक ने राम सीता जी की शादी को मनाने के लिए भी मिथिला पेंटिंग को मान्यता दी थी। मैंने पिंटरेस्ट में देखा है राम सीता जी की स्वयंवर और देव देवियों के कितने भी जो भी स्टोरीज़ है वो भी ऐसे ही मधुबनी आर्ट में दर्शाए गए हैं। तो चलिए मैं धीरे धीरे ब्लैक से आउटलाइन कर रही हूँ। बातों बातों में मेरी ये मधुबनी पेंटिंग भी तैयार हो गई। शायद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने बॉर्डर क्यों नहीं बनाया, तो वो इसलिए कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक्स किया है। मैंने यहाँ पे कलरफुल मैट से इसकी बॉर्डर बनाया है। देखिए मैंने काट लिया है एक नाप से और इसको मैं चिपका दूंगी चारों तरफ। ये भी बहुत ही कलरफुल मैट था मेरे पास, इससे फ्रेमिंग का काम भी करेगा और मेरी समय भी थोड़ी सी बच जाएगी इससे। ग्लूगन से गन की मदद से मैं चारों तरफ लगा दूंगी इसको। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये देखने में। मैंने गोंद पेंटिंग के साइड में भी मैंने ऐसे ही फ्रेमिंग किया था। वाइट के ऊपर ऐसा कलरफुल देखने में कितना सुंदर लग रहा है। पता नहीं कैमरे में आप लोगों को कितना पता चल रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोगों को मेरी ये ट्रिक्स कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अभी मेरा ये पेंटिंग बिल्कुल तैयार है। कैसा लग रहा है ये तो आप लोग ही बताएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अपना ख्वाहिश पूरी कर ली आज। दोनों पेंटिंग को मुझे साइड बाय साइड लगाना था, वो इच्छा मेरी पूरी हो गई। देखिए दीवार पे मैंने दोनों ही लगा दिया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए फ्रेंड मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और नीचे का रेड बटन दबा देने से ही आप लोग सब्सक्राइब्ड हो जाओगे और साथ में बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मज़े से रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।